नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल, आप देख रहे हैं ब्लॉगर्स डुओ। आज जो हमारे साथ गाड़ी है वो है अशोक लेलैंड की 5525। ये जो गाड़ी है ये डबल क्राउन में आती है, 10 टायर हॉर्स है, ठीक है। और ये गाड़ी जो है अवतार सीरीज के जो सीरीज में आती है वो वाली सीरीज की गाड़ी है, ठीक है। और इस गाड़ी की सबसे खासियत बात तो ये है कि एन कैबिन वाला जो मॉडल है इसमें वो आता है। एन कैबिन वाले मॉडल का जो इंटीरियर है वो थोड़ा अलग रहता है और साथ ही साथ एक्सटीरियर में थोड़ा सा आपको एडवांसमेंट मिलता है। क्या एडवांसमेंट रहता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये जो इसकी विंडशील्ड है वो थोड़ी सी पीछे है और ये वाला जो इसका सामने का पोर्शन ये थोड़ा सा आगे दिया गया है, ठीक है। ये जो गाड़ी है ये तिरुपति ट्रांसपोर्ट और तिरुपति लॉजिस्टिक्स की जो गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी का जो सामने का लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया दिखता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दिया गया है इस गाड़ी में। और सामने में आपको एक अप्रोक्सीमेटी मिरर मिल जाता है, ठीक है। एंड देन दो आपको जो है वाइपर मिल जाते हैं और सामने का जो बम्पर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से बना है। और इसका जो लो बम्पर है वो भी बहुत बढ़िया दिया गया है, ठीक है। और ये जो है इसको आप दबाने से ये वाली जो जाली है इसको आप ओपन कर सकते हो और आपका जो रेडिएटर वगैरह जो फिल करना रहेगा आप वो फिल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जो इसकी जाली ओपन हो जाएंगी और आपको जो जितने भी फ्लूइड टॉपअप कराने होंगे, रेडिएटर फ्लूइड, वॉशर फ्लूइड, ये सारी की सारी चीज़ जो आप यहीं से टॉपअप करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको लेलैंड का लोगो मिल जाता है। 5525 गाड़ी है, 55 टन का इसका GCW है, ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट, ठीक है। और ये जो है इसका हाई बीम और ये इसका लो बीम के लिए लाइट, दो लाइट मिलते हैं आपको अलग अलग। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। 3 फुटस्टेप मिलते हैं, एक जो है फ्लेक्सिबल वाला है, ये वाला जो है फ्लेक्सिबल वाला है, और 2 फुटस्टेप जो है सीधा अंदर, ठीक है, फिक्स वाले फुटस्टेप मिलते हैं। और सामने में जो टायर है वो है 295/90R20 का टायर आता है इस गाड़ी में, ट्यूब वाला टायर है, ठीक है। इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यहीं पे मिल जाती है, बड़ा वाला मडगार्ड आता है। और साथ ही साथ ये एन कैबिन है तो इसमें बहुत सारे फीचर जो यूनिक मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ये कार टाइप डोर हैंडल मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है पकड़ने में, बहुत प्रीमियम फील होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक अप्रोक्सीमेटी मिरर मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जाली वाली जो ओपनेबल विंडो मिल जाती है। और ये रहा इसका सीक्रेट कंपार्टमेंट, हम इस पर थोड़ी देर में आएंगे। तिरुपति यूनियन ट्रांसपोर्ट की बैजिंग भी है, ठीक। और गाड़ी में सामने में जो आपको पैराबोलिक लिप स्प्रिंग मिलती है, 3 लिप स्प्रिंग है और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर है, बहुत बढ़िया तरीके से इंजन माउंट दिया है। और पूरी जो कवरिंग है बहुत बढ़िया तरीके से दी गई है, ठीक है। तो इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो है एस सीरीज़ का और एक है ए सीरीज़ का, ठीक है। एच सीरीज़ वाला जो इंजन है वो है 5660 cc का डीजल इंजन है जो कि 250 hp प्रोड्यूस करता है और 900 Nm का टॉर्क। ये 6 सिलेंडर डीजल इंजन है और ए सीरीज़ वाले में आपको 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसका जो गियर बॉक्स है उसकी, 9 स्पीड वाला गियर बॉक्स आता है, एक क्राउलर गियर, 8 फॉरवर्ड गियर और एक रिवर्स गियर आता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है एच सीरीज़ में आपको 380mm का क्लच मिलेगा और ए सीरीज़ में आपको 390mm का क्लच मिलेगा। और ये जो गाड़ी है ये 10 टायर हॉर्स में है तो इस वजह से जो इसका जो GCW है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक टीको के लिए मिलेगा, स्टेयरिंग फ्लूड वगैरह भरने के लिए। कैबिन सस्पेंशन मिलता है, एन कैबिन जो इसका प्रीमियम सेगमेंट में आता है, इसमें 4 कैबिन आते हैं, 4 कैबिन के ऑप्शन। और उसका सबसे पहला वाला आता है AG मतलब काउल, और AM मतलब थोड़ा जो अशोक लेलैंड की तरफ से सिंपल वाला जो कैबिन आता है वो, और AU जो है थोड़ा लग्जरी टाइप में, और AN जो है वो पूरा का पूरा लग्जरी टाइप में जो है आपको कैबिन मिलता है। तो ये जो कैबिन है वो AN कैबिन वाला है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको जो है जाली देखने के लिए मिलेंगी पीछे में, ये जो है पीछे में जो विंडो दी जाती है एयर सर्कुलेशन के लिए विंडो मिलती है तो वहाँ पे आपको एक जाली मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैबिन सस्पेंशन मिलेगा और यहीं पे जो आपको बैटरी कट ऑफ मिल जाएगा, स्विच, बैटरी कट ऑफ का स्विच। और ये रहा इसका कैबिन टिल्ट करने का मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉमी लगा के जो है आपको कैबिन टिल्ट करना पड़ेगा। 2 बैटरी मिलती है, 12 वोल्ट की 2 बैटरी, 24 वोल्ट का करंट सप्लाई, और साथ ही साथ नीचे में आपको 2 प्रेशर टंकी मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो आपको डीजल टैंक मिल जाएंगी, इसमें जो है 375 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी जो है आपको ट्यूब वाला टायर मिलेगा, 10R20 के टायर मिलता है। और यहाँ पे जो आपको सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग मिलेंगी और ये डबल क्राउन के साथ आती है तो आप देख सकते हो सामने वाला क्राउन, सिंगल क्राउन और पीछे में जो है आपको दूसरा वाला क्राउन मिलेगा। और ये रहा इसका बेल क्रैंक वाला सस्पेंशन, कन्वेंशनल वाला सस्पेंशन है, बढ़िया सस्पेंशन है। और इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिलता है यूनिटाइज बेयरिंग का, जिसमें आपको कभी भी ग्रीव हाउसिंग नहीं करनी पड़ेगी। जॉस्ट का जो है यहाँ पे आपको 5th व्हील कपलिंग मिलेंगी, ठीक है। 10 टायर हॉर्स है तो इसकी जो लेंथ रहती है 5th व्हील कपलिंग से जो पीछे तक की जो चेसी रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। इस वजह से जो इसका जो है 10 टायर का जो थोड़ा रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है। GCW जो है आपका मतलब जो माल है पेलोड वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। पीछे में जो हिंदुजा ग्रुप की बैजिंग और पीछे में आपको टेल लाइट मिल जाती है जो कि सारी की सारी LED है। और यहाँ पे जो आपको लैंडिंग गियर मिल जाते हैं, ठीक है। ये टाटा TLT की ट्रॉली है, तिरुपति यूनियन ट्रांसपोर्ट की बैजिंग।
और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपको सेमी इलिप्टिकल लिप रिंग मिलेंगी। टाटा DLT की तरफ से आने वाला यॉक का जो है एक्सल मिलता है, 3 एक्सल है, तो इसमें आपको एक भी लिफ्ट एक्सल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये रहा इसका पीछे से लुक, ठीक है। टाटा DLT की ट्रॉली है, टाटा DLT ने बनवाया है, और इन्होंने जो है पूरा का पूरा परचेस किया, तिरुपति यूनियन ट्रांसपोर्ट ने पूरा का पूरा ट्रक परचेस किया है, इन्होंने बाहर से कुछ भी काम नहीं कराया। ये जो है इसका नॉर्मल हैलोजन बल्ब वाला मिल जाता है, टेल लाइट और इंडिकेटर लाइट, ठीक। तो इस गाड़ी में आपको जो है बोगी सस्पेंशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको फुल एयर ड्यूअल ब्रेक लाइन मिल जाएंगे ABS के साथ, और आपको 48 लीटर का डेफ टैंक मिलेगा, और ठीक उसके पीछे में आपको 2 प्रेशर टंकी, और ठीक उसके आगे में जो है आपको आफ्टर ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट मिल जाएगा अशोक लेलैंड का। इसमें जो है ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से प्लेस किया गया है, जितनी भी गर्म हवा है वो टायर को नहीं लगती है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छी बात होती है ये, टायर गर्म नहीं होता जल्दी। और ये रहा इसका सामने का लुक, अभी जो है मैं आपको इसका कैबिन दिखा देता हूँ कैसा रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था ये एन कैबिन है, तो इसकी हाइट भी थोड़ी जो है ज़्यादा मिलेंगी आपको। इसमें जो है 3 कैबिन ऑप्शन आते हैं अशोक लेलैंड में, MUN, ठीक है। एम में जो है आपको हाइट मिलेंगी 2987 mm की, और यू में जो कि आपको कैबिन हाइट मिलेंगी वो है 3047 mm की, और एन में जो आपको कैबिन हाइट मिलेंगी वो है 3247 mm की, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि जैसे ही इसका प्रीमियम कैबिन है वैसे इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है लेलैंड की तरफ से, बहुत बढ़िया लगता है, प्रीमियम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल और यहाँ पे आपको जो है वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे, एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ब्लोअर वेंट मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा अशोक लेलैंड की तरफ से आने वाला, सिंपल म्यूज़िक सिस्टम है, ऑन ऑफ की बटन, वॉल्यूम ऊपर नीचे करने की बटन, माइक्रो SD कार्ड लगाना होगा, बड़ा वाला माइक्रो SD कार्ड लगेगा, पेन ड्राइव भी लग जाएगा, और ये रहे इसके रेडियो के कंट्रोल, और ये जो है यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल टू यूज़ है। और यहाँ पे जो आपको स्विचेस मिल जाएंगे, मैनुअल रीजनरेशन ऑफ करने का बटन, पीछे का डिफरेंशियल लॉक करना है उसकी वाली बटन, और यहाँ पे आपको डाउनहिल असिस्ट भी मिल जाएगा, मैनुअल रीजनरेशन ऑन करना है तो उसकी बटन, और यहाँ पे आपको चारों इंडिकेटर ऑन करना है तो उसकी बटन, और यहाँ पे आपको इंजन की जो लाइट है वो ऑन करनी होगी तो ये वाली बटन भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एन कैबिन जो है अंदर से बहुत अच्छा लगता है, इसका डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा दिखता है। ये रहा इसका डुअल टोन में आपको डैशबोर्ड व्हाइट, और ये जो है ब्लू कलर में आपको डैशबोर्ड मिलेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको एक और ब्लोअर वेंट मिल जाएगा, और कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे आपको चाबी लगाने का फोब मिल जाता है। और दूसरी बात यह है प्रीमियम टच देने के लिए आप पे आपको जो पेडल की फील है वो भी बहुत अच्छी दी गई है, रबराइज जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लगता है दबाने में, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेटर पेडल मिल जाता है। यहाँ पे जो सॉर्ट ऑफ अ डेड पेडल टाइप आपको दिया गया है, यहाँ पे जो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग व्हील जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड देन उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये जो सीट है ये नॉर्मल सीट आती है इस गाड़ी में, आगे पीछे कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है इसका रिक्लाइन भी चेंज कर सकते हो इस सीट का। इस गाड़ी में जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पे आपको जो है गियर लीवर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से सिंपल गियर है, इसके हल्के गियर लगते हैं, आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ऊपर में एक सनवाइजर देखने मिलेगा, टोल रिसीप्ट देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत जो स्टोरेज रख दोगे और फिर वहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाएगा, सनवाइजर मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको एक हैंडल भी मिलता है। और हेडरूम की कमी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा कैबिन है, बहुत ऊंचाई भी बहुत है इसकी कैबिन की, और साथ ही साथ जो है बहुत बड़ा भी, अंदर से जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लगता है बैठने के बाद ही। यहाँ पे आपको बहुत बड़ी वाली लाइट मिल जाएंगी, LED लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्लीपर बर्थ भी देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, इसके अंदर में जो आप स्टोरेज भी रख सकते हो, और यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे भी आप स्टोरेज रख सकते हो। और ये रहे इसके वेंटिलेशन के लिए खिड़की, और यहाँ पे आपको जाली जो है कंपनी फिटेड आती है, यहाँ पे कुछ भी बाहर से कराया नहीं है, सारा कुछ जो है कंपनी फिटेड आता है। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे छोटे छोटे हुक देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह भी टांग सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 स्टोरेज स्पेस मिल जाते हैं तो कुछ सामान रखने के लिए, और वहाँ पे जो आपको लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है, मैनुअल वगैरह रखने के लिए। और ये एन कैबिन है तो इसका हमारे से एक फीचर मिस हो गया था जो कि है इसमें क्रूज़ कंट्रोल, बहुत बढ़िया कंफर्टेबल फीचर है ये क्रूज़ कंट्रोल वाला, लंबी जर्नी के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। जस्ट आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल की बटन को ऐसा दबाना है, आपकी जो है स्पीड सेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको स्पीड बढ़ानी होगी तो आपको जस्ट ऐसा ऊपर करना पड़ेगा, स्पीड कम करनी होगी तो आपको नीचे की तरफ घुमाना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा इसका वाइपर का कंट्रोल, यहाँ से जो वाइपर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत बढ़िया चीज़ दी गई है क्रूज़ कंट्रोल, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में, बहुत अच्छा लगता है, लंबी जर्नी जो आसानी से हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस। तो ये जो गाड़ी की सबसे खासियत बात तो यह है कि ये 220 का माइलेज देती है, 2.2 का
जब इसमें 42 टन का 42,000 केजी का पेलोड जब इसमें रखा जाएगा, ठीक है, तब जाके आपको 20 का माइलेज देंगी। उसके बाद अगर आप खाली गाड़ी चला रहे हो तो ये गाड़ी आपको 6 का माइलेज दे देंगी, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा माइलेज क्लेम भी नहीं करता और ऑफर भी नहीं करता, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस गाड़ी के हिसाब से डबल क्राउन है, और डबल लोडिंग जो आप पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको एक डबल लोडिंग करना पड़ेगा अगर आपकी कॉइल वाली गाड़ी में चलेंगी, कॉइल लेके जाएंगी, तो यहाँ पे जो है आप ही आपको एक कॉइल मिलेंगी, और ठीक तीनों एक्सेल के ऊपर यहाँ पे आपको 2 कॉइल मिलेंगी, तो दोनों कॉइल में भी जो है आपको 220 का माइलेज मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के बाद कि नहीं क्या, हम ये गाड़ी जो है बहुत अच्छी है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छी है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है इस गाड़ी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमें जो है प्रीमियम लगी गाड़ी, महंगी भी है, और साथ ही साथ सारी चीज़ जो आपको ऑफर कर देता है अशोक लेलैंड, जो एक गाड़ी में होना चाहिए उस हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यह वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो 55 टन GCW वेट में जो गाड़ी देख रहा होगा, उनके साथ यह वीडियो शेयर करें। बहुत अच्छी गाड़ी है, कॉन्टिनेंटल का टायर भी लगा है इसमें सामने में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।